तो फाइनली मेरा मेकअप हो गया है डन। ये रही मेरी आज की ज्वेलरी, ये पिछली बार से बनवा कर रखी हूँ। पूरी साड़ी है मेरी और ये है उसका ब्लाउज। एक साहूकार था, उसके साथ बेटे और एक बेटी थी। सातों हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। हैप्पी करवा चौथ। तो आज करवा चौथ है और मेरा स्टार्टिंग हो रहा है फलहारी से। मैं फलहारी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे बेबी को फिट कराना पड़ता है, तो इसके लिए। और वो खेल रहा था, मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि कैसे खेल रहा है वो। क्या मम्मी, तू नहीं। अरे बोलू तरीन से पूछ ले, पूछा मम्मी नहीं खाएगा भैया, तू खाया नहीं भैया, तू नहीं खाया खाया चाचा खाए चाचा खाए बोला होता है। देखो जो हम घुमा ले है ना, अभी का जिए ना देंगे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है करवा चौथ, तो सभी को हैप्पी करवा चौथ। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा रेडी होने, ये है आफ्टरनून का टाइम, तो मेरे जो भी मेकअप है वो इतने जल्दी ख़त्म नहीं होते, तो इसके लिए मैं अभी थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ। क्योंकि मेरा छोटा सा बेबी है तो इसके लिए मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम होती है उसको हैंडल करना। और शाम को पूजा भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ खाने के लिए भी बनाना है, तो इसके वजह से मैं थोड़ा अपना मेकअप कंप्लीट कर लेती हूँ ताकि रात को मेरे को बहुत कम काम रहे। ओके, तो चलो मैं फटाफट होती हूँ थोड़ा रेडी। ओके, तो ये रही मेरी ड्रेसिंग और मैं थोड़ा फटाफट रेडी होती हूँ। पहले लगाऊंगी क्रीम। तो चलो मैं फटाफट पहले मेकअप कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को अपना फाइनल लुक दिखाऊंगी। ओके, फिर मैं अपना साड़ी और जो भी मैंने पिछली बार मैंने डिज़ाइनर से एक करवा चौथ की थाली मंगवाई थी, मैं वो भी आप लोग को दिखाऊंगी। ओके, तो पहले मैं फटाफट मेकअप करती हूँ। तो फाइनली मेरा मेकअप हो गया है डन। बाल में अभी रुक के बनाऊंगी थोड़े देर में, और मैं आप लोग को अपना सामान दिखाती हूँ कि मैं आज के दिन क्या क्या पहनूंगी और क्या क्या सामान है मेरा। ओके, मतलब जैसे ज्वेलरी हो गई, साड़ी हो गया, जो भी मैं चूड़ी पहनने वाली हूँ, या फिर जो भी मेरा ये करवा चौथ का जो भी सामान है, थाली वगैरह जो भी मैंने बनवाया था, तो चलो उसको मैं दिखाती हूँ आप लोग को। तो ये रही मेरी आज की ज्वेलरी, ये है पूरा गले का और ये है दोनों कान का और ये है मेरा मांग टीका। तो ये है मेरी ज्वेलरी और ये एक रोज़ है जो कि मैं सोच रही हूँ अपने जूड़ा पिन में लगा लूँगी। वैसे मैं जूड़ा पिन लेकर आई हूँ। तो ये मेरी पूरी ज्वेलरी, तो ये रहा मेरा चूड़ा जो कि मैंने सोचा है कि आज चूड़ा पहनूँ, क्योंकि चूड़ा काफ़ी दिन हो जाता है रखे हुए तो हम लोग पहनते नहीं, तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ चूड़ा पहनूँगी। ये रहा मेरा चूड़ा, चूड़े को मैं रखती हूँ इधर। ये है मेरा करवा चौथ थाली जो कि मैंने बनवाया था डिज़ाइनर से, इंस्टाग्राम की एक डिज़ाइनर है, मैंने उनसे बनवाया था। तो ये देखो, ये रही पूरी थाली, ये देखो करवा चौथ। तो इसमें मुझे मिला था एक थाली जिसपे मेरा और मेरे पतिदेव का फ़ोटो है, और फिर मुझे मिला था ये चलनी जो कि इस पर भी मेरे और मेरे पति का फ़ोटो है। उसके बाद मिला था ये लोटा जिसपे भी मेरे और मेरे पति का फ़ोटो है, और फिर मुझे मिला था एक ग्लास, इस पे भी मेरे और मेरे पति का फ़ोटो है, और उसके बाद मिला था ये पर्दा ऐसे ढकने वाला मिला था। तो ये पूरा सेट है जो कि आज मैं यूज़ करूँगी। तो आज का यही मेरा पूरा सेट है जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ये मुझे बड़ा ही प्यारा लगा था, ये मैं पिछली बार से बनवा कर रखी हूँ। और जो मेरा मेन करवा है ये मैं मुंबई में ही भूल गई, तो मैं एक मिट्टी का मंगवाई हूँ, तो दिखाती हूँ।
वैसे पूरा पूजा का सामान ही मैं दिखाती हूँ, तो वो मम्मी लेकर आई हैं आज। ये मेरे पूरे पहनने का सामान है और मैं अपनी साड़ी भी दिखाती हूँ। ये रही मेरी साड़ी जो मैं आज पहनूंगी, मैं इसको पूरा अच्छे से दिखाती हूँ। ओके, पूरी साड़ी है मेरी और ये है उसका ब्लाउज। तो ये है मेरा पूरा सामान, पूरा सामान जो कि आज मैं पहनने वाली हूँ। और ये रहा पूजा का सामान, ये देखो ऐसा दो करवा आया है और इसमें फल फ्रूट और मिठाइयाँ वगैरह जो भी पूजा का सामान है सारा इसमें है। तो मैं ढक देती हूँ। तो यहाँ पे टेबल पे मैंने अपना सारा सामान रख दिया है और मैंने पूरा सामान आप लोग को दिखा भी दिया। और मेरा मेकअप कैसा हुआ है आप लोग बताना। हेयर स्टाइल मैं नाइट में ही करूँगी क्योंकि थोड़ा टाइम तो मिल जाएगा। मैं जा रही हूँ थोड़ी देर मेहंदी लगा लेती हूँ क्योंकि मैं मेहंदी अभी कुछ भी नहीं लगाई हूँ। तो थोड़ा मेहंदी लगाऊंगी, फिर थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। क्योंकि खाना मैं जल्दी ही बना लूँगी ना, क्योंकि फिर नाइट में पूजा पाठ रहेगा और छोटा सा बेबी हो तो प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं खाना 5-6 बजे तक बना कर रख दूँगी। तो चलो फिलहाल मैं लगाती हूँ थोड़ा सा मेहंदी। ओके, तो मैं आगे नीचे हॉल में मेहंदी लगाने के लिए, एक हाथ में तो मैं खुद से ही मेहंदी लगाऊंगी और मुझे ना बहुत सिंपल सिंपल सा पसंद है, इसलिए मैं सिंपल मेहंदी ही लगाऊंगी। दूसरे हाथ में मैं लगा नहीं पाती तो इसलिए मैंने नीचे अपने रेंट वाली भाभी को बुलाई, तो उन्होंने आकर मेरे हाथ में मेहंदी लगाया। और पता है रिकॉर्डिंग करते करते मैं इतने टाइम तक रिकॉर्ड कर दी कि मुझे पता ही नहीं चला कि अभी तक वीडियो चालू है। फिर देखी तो फिर मैं बंद की। उसके बाद गए नीचे पूजा वाले रूम में, मम्मी को कुछ बुक वगैरह लेना था जो भी करवा चौथ में पढ़ते हैं, और ये जो फोटो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। फिर उसके बाद हम आ गए किचन में। आज ना ये उड़द की चीज़ें बनाना बहुत शुभ होता है, तो मैंने उड़द का कचौड़ी बनाया था। इसको मैं धुल धुल के अच्छे से पीस वीस के सब कुछ कर ली थी। उसके बाद मैं गई हॉल में क्योंकि बाबू रेटो के साथ खेल रहा था। ये देखो आप लोग कितने प्यारे तरीके से खेल रहे हैं। इधर देखो, इधर उधर चला जाना। ओए कितने प्यारे से खिला रहा है। तो यहाँ पे दो छोटे छोटे रैबिट आ गए थे, वो जो लड़का था उसके घर ये रैबिट था, दोनों छोटे छोटे। तो मुझे छोटे रैबिट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये दोनों ट्विंस लग रहे थे मुझे। आप लोग बताना ट्विंस लग रहे हैं कि नहीं, मुझे तो प्रॉपर ट्विंस लग रहे थे। तो ये दोनों लोगों को मुझे दिखाने लाया था और मेरा बेटा इन दोनों के साथ बहुत अच्छे से खेल रहा था। ये देखो कितना प्यारा ही लग रहा है यार, जैसे लग रहा है कितनी छोटी छोटी गिलहरी आ गई हो। बहुत ही प्यारा, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। और ये रहे मेरे मेकअप के सारे सामान जो मैं रख के गई थी। उसके बाद मैं इसको फटाफट अब पहन के रेडी होंगी क्योंकि टाइम हो गया था और मुझे किचन में काम करते करते थोड़ा लेट हो गया था। अच्छा हुआ था मैंने मेकअप पहले ही कर लिया था, तो चलो अब शुरू करूँगी। तो फाइनली मैं पूरा रेडी हो गई थी, बस मुझे चूड़ा पहनना था, तो मैं फटाफट चूड़ा पहन रही थी क्योंकि पूजा का टाइमिंग भी हो गया था। वैसे मेरा सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था आज के दिन, खाना बन जाए तो समझो सारा ही काम हो जाए। तो ये देखो मेरा फाइनल लुक। और यहाँ पर मम्मी का तब तक पूजा की तैयारी कर रही थी, जो भी सारा सामान रक्षा वक्षा। और यहाँ पे बच्चे आए थे, कितने क्यूट लग रहे थे। तो फिर मैंने अपने कलसा में भरा पानी, क्योंकि एक कलसे में पानी डालते हैं और दूसरे कलसे में लड्डू डालते हैं, तो मैं दूसरे कलसे में मैं भी अपने कलसे में लड्डू भर देती हूँ। उसके बाद हमने शुरू किया अपना पूजा पाठ जो भी था। मतलब ये जो फ़ोटो होता है ना आज के दिन, इस फ़ोटो को ही रख के पूजा होता है। तो बाकी सब तैयारी तो मम्मी की ही थी, बस बैठ के पूजा करना था। तो जैसे जैसे मम्मी कर रही थी वैसे वैसे मैं कर रही थी, क्योंकि इतना हर बारी याद नहीं रहता है, तो इसके लिए थोड़ा पूजा में कॉपी करना चाहिए जैसे कि मैं कर लेती हूँ। तो जो भी हार वगैरह था पहले उसको पहना रहे थे भगवान को, उसके बाद फिर अपना जो भी पूजा पाठ है वो शुरू करेंगे। और मैं यहाँ पर धूप जला रही थी और देखो कैसे धूप जला रही हूँ। उसके बाद कौन कौन पूजा ऐसे करके फिर उसके बाद चलने से ऐसे देखता है मुझे बताना, क्योंकि बहुत लोग पूजा नहीं करते हैं। फिर यहाँ पे मैं पढ़ रही थी, जो भी बुक होता है उसकी कथा होती है करवा चौथ माता की, तो वही मैं पढ़ रही थी। दो कथा मैं पढ़ी थी क्योंकि इसमें 4-5 था तो मैंने 2 ही पढ़ा। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने जो पूड़ी और ये खीर बनाया हुआ था वो भी चढ़ा, तब तक मेरा बेटा भी जाग गया था तो मैं उसको भी खिला रही थी थोड़ा टाइम। उसके बाद मम्मी यहाँ पे देखो जल दे रही हैं, और जो उनका वो सीख होता है ना उसमें डालने वाला, वो बालकनी से नीचे गिर जाएगा, वो मोमेंट ऐसा था कि मुझे हंसी आ गई थी। मैं बहुत हंसी थी। उसके बाद मेरा जल देने का टाइम आ गया, तो मैं भी
चंदा मामा को ऐसे अर्घ दी। उसके बाद ये जो सीख वाला होता है उसको, मैं अपने टाइम पे बहुत सावधान हो गई थी, एक हाथ से सीख पकड़ के और एक हाथ से वो दे रही थी अर्घ, क्योंकि मम्मी का गिर गया था तो फिर सावधानी अपने ही हाथ में होती है। फिर पति को किया वीडियो कॉल, फिर वीडियो कॉल से मैंने लिया, चंदा मामा को देखा और अब मेरा जो खुद का चांद है मैंने उसको देखा। उसके बाद ये देखो इनका, फिर पूजा पूरा हो गया हमारा कंप्लीट, देख सकते हो आप लोग। बाबू जैसा लग रहा है आपको, तो आप मेरे हाथ में आ गए हो नन्ही बुढ़ी का। एकदम तन्नी बुढ़ी का हाथ में आ गए हो जैसे, लेके इधर उधर जामल उतरी घुमा दो। बाबू बच्ची ने एकदम आपकी तरह आपका बचपन का फोटो आज मैं देखी, एकदम से सेम ऐसा लग रहा है जैसे छोटे बाबू का फोटो हो रखा हो। मुझे नहीं पढ़ाया, आपको पढ़ाया। कितना खुश हो रहा है। मैं भेजूंगी ना जिसमें आपकी तरह लग रहा है एकदम। चलो ठीक है, आप भी खाओ पियो। आप भी खाओ पियो। हाँ देखो, चलो ठीक है जाओ। देखो अच्छा लगता है, उसको मजा आता है। तो ये है मेरा डिनर जो कि मैं करने जा रही थी, आज यही पकवान बनाई हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे सब लोग डिनर कर रहे थे और मेरा बेटा खेल रहा था। आज मैं बहुत थक गई हूँ, इसके बाद मैं करूँगी आराम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, और जो लोग नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करो। बाय बाय।